हेलो एवरीवन, दिस इज अमित शर्मा. फ्रेंड, आज हम जो बात कर रहे हैं robot.txt फाइल, हम होस्टिंग के थ्रू robot.txt फाइल को कैसे अपलोड करते हैं, चलिए वो हम लाइव देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, robot.txt क्या है, क्यों यूज़ करते हैं robot.txt? robot.txt जो है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है. अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, तो जो robot.txt फाइल है आपके होस्टिंग में होना चाहिए, यानी आपके वेबसाइट में. एक्चुअली यूज़ इसलिए करते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक पेज सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं कराना है, तो उस केस में हम robot.txt फाइल को यूज़ करते हैं. तो चलिए इस फाइल को हम क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं. हम सिंपल नोटपैड लेंगे और नोटपैड में आप robot.txt के नाम से उस फाइल को सेव करेंगे. इसको हम सेव करते हैं robot.txt, और डेस्कटॉप पे हम इसको रखते हैं robots.txt. ओके, ये ऑलरेडी है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं. अब देखिए फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम, यूजर एजेंट, यूजर एजेंट. आप यहां पे गूगल बोट भी लिख सकते हैं, गूगल बोट. ओके, उसी तरह बिंग बोट के लिए, अगर बिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी, अगर आप यहाँ स्टार लगा देते हैं तो ये सभी ब्राउज़र के लिए होगा. ये दिन, ये आपका सभी ब्राउज़र के लिए. और किसी पर्टिकुलर पेज को आप नहीं इंडेक्स कराना चाहते हैं सर्च इंजन में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिसअलाउ. बाय डिफॉल्ट सभी पेज जो अलाउ होते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर को नहीं शो कराना है, इंडेक्स नहीं कराना है, तो आप डिस अलाउ लिखेंगे. डिस अलाउ सेमी कॉलन ये, और फॉरवर्ड स्लैश उस पेज का, जैसे अबाउट अस, अबाउट अस, यानी डोमेन के बाद का जो पेज का यूआरएल आएगा वो हम मेंशन करेंगे. और इसमें एक चीज और लिखेंगे हम, साइट मैप, साइट मैप सेमी कॉलन, जिस वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं उसका साइट मैप का यूआरएल भी कॉपी कर लेते हैं. जिस हम वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं वो आपका ये है, द ट्रेवल व्हील्स डॉट इन फॉरवर्ड स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल. तो साइट मैप का यूआरएल भी हम दे देते हैं, ये यूआरएल दे दिए हमने, और इस पेज को सेव कर दिए, और इस पेज को होस्टिंग में जाके अपलोड करते हैं. तो चलिए हम इसका सी पैनल ओपन करते हैं, सी पैनल ओपन करते हैं अभी. ठीक है, सी पैनल करने के बाद गोडैडी में, एक्चुअली हमारा होस्टिंग ये वेबसाइट लाइव है तो इसका सी पैनल हम ओपन करते हैं. और कैसे अपलोड करेंगे, एक्चुअली इसको पब्लिक अंडरस्कोर जो फोल्डर है, यानी इस वेबसाइट का रूट फोल्डर है, उसी के अंदर हमें अपलोड करना है robot.txt फाइल को. तो ये हमारा होस्टिंग है गोडेडी का. आप जो भी होस्टिंग यूज़ करते हैं वहाँ पे आप जाएंगे अपना वेब होस्टिंग, और वेब होस्टिंग के अंदर हम फिर गए सी पैनल. सी पैनल में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सी पैनल एडमिन, और आप देखेंगे कि ये आपका कंट्रोल पैनल है होस्टिंग का. ओके, ये तकरीबन जो डैशबोर्ड है, आप जिस भी होस्टिंग का यूज करते हैं, सभी का होस्टिंग का ये डैशबोर्ड आपको कॉमन मिलेगा. तो इसके अंदर आप जाएंगे फाइल मैनेजर, ये आपको फाइल मैनेजर दिख रहा है. फाइल मैनेजर के अंदर हम क्लिक कर रहे हैं, तो इसको क्लिक करते हैं मैं, और पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल, इसी के अंदर सारा वेबसाइट का फोल्डर है. तो अब देखिए इसमें बहुत सारे वेबसाइट लाइव हैं, बट जो अभी हम जिसमें अपलोड कर रहे हैं दो ट्रेवल व्हील्स के नाम से, इसी रूट फोल्डर में हम उस robot.txt फाइल को अपलोड करेंगे. तो चलिए हम इसको अपलोड करते हैं. डबल क्लिक करने के बाद इस फोल्डर के अंदर आ गए तो देखिए यहाँ पे robot.txt फाइल नहीं है. ओके, तो इसी को अब हम अपलोड करते हैं. यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अब इस अपलोड पे क्लिक करेंगे और चूज करते हैं robot.txt फाइल जो हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है. तो ये था robot.txt फाइल जो हम सिंपल अपलोड कर दिए हैं.
अब ये होस्टिंग में अपलोड हो गया। ओके, अब कुछ नहीं करना है, आप इसको रिफ्रेश करेंगे द ट्रेवल व्हील्स डॉट इन फॉरवर्ड स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तो जो हमने यूज किया था कि यूजर एजेंट, अब देखिए ये फाइल होस्टिंग के अंदर आ गया है। अब ये पेज जो है गूगल इंडेक्स नहीं करेगा, उसी तरह और किसी भी पेज को जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया या अपने एडमिन पैनल को आप इंडेक्स नहीं कराना चाहते हैं तो आप वहां पे डिसअलाउ कर देंगे। तो ये था प्रोसेस आपका फ्रेंड कि robot.txt फाइल को हम कैसे अपलोड करते हैं सी पैनल के थ्रू। तो धन्यवाद।